हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट सिरप से इतने टेस्टी चॉकलेटी फ्लेवर के पेड़े, जो खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बिस्किट ले लिए हैं, ये चॉकलेट फ्लेवर में है। आप कोई से भी बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर वाले ले सकते हो। तो मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिए हैं। यहाँ पे हमने मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे पूरा बिस्किट का स्वाद ना आए, इसके लिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाला है। 2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। वैसे तो बिस्किट मीठे होते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा मीठा और इसमें बढ़ा सकते हो, यानी 2 चम्मच आप चीनी इसमें डाल सकते हो। 2 हरी इलायची डाल दी है। अब जो 4 बिस्किट थे उनको खोल लेंगे और इस तरीके से हम तोड़कर मिक्सी में डाल देंगे। आप चाहें तो बिस्किट की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए, हमने 4 बिस्किट को तोड़कर इसमें डाल दिया है। अब ढक्कन लगा देंगे और इसको पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया है। अब इसे डालेंगे हम एक बाउल में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 पाउच चॉकलेट सिरप का। यदि थोड़ा कम लगे तो 1 पाउच और भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें 1 पाउच ही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे दूध या मलाई का इस्तेमाल कर सकते हो, पर जो हमने पेड़े बनाए हैं उसमें पूरा स्वाद चॉकलेट जैसा ही आए, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब हाथों में इसका थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे और इसे हम गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया ये पेड़े बन गए हैं। तो इसे रख देंगे हम एक प्लेट में और इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये पेड़े बच्चों को तो इतने पसंद आने वाले हैं कि रोज़ आपसे यही पेड़े बनाने के लिए बोलेंगे। इतने टेस्टी ये पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, दूसरा पेड़ा भी हमने बना लिया है और इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब इसके डेकोरेट के लिए यहाँ पे हमने थोड़े से स्प्रिंकल ले लिए हैं। इन पेड़ों के ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे। आप चाहो जैसे डिज़ाइन इसे कर सकते हो और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से स्प्रिंकल। यदि स्प्रिंकल नहीं है तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसे कटी हुई पिस्ता, काजू या बादाम। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से चॉकलेटी पेड़े बना लिए हैं। कितने बढ़िया और टेस्टी भी लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ये पेड़े इतने जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और इसे हमने बिना गैस चलाए ही बनाया है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।